हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज माय नेक्स्ट व्लॉग. सो हम लोग आ चुके हैं लैंसडाउन एंड दिस इज अ वन डे ट्रिप. हम लोग रात को निकले थे अराउंड 10 बजे दिल्ली से और हम यहाँ पहुँच गए थे 4 बजे अराउंड. और हमने यहाँ रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए एक होटल लिया, रूम लिया, रेस्ट कर लिया है. गुड मॉर्निंग हो चुकी है हमारी और हम हो चुके हैं तैयार. So, let's see, हम एक दिन में लैंसडाउन में क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं. गाइज हम पहुंच चुके हैं लैंसडाउन और ये मेरे पीछे है पूरा मार्केट एरिया है. हम बिल्कुल सेंटर. सेंटर क्या? मेड माय ब्रदर. सो मैं ये बता रही थी कि हम बिल्कुल सेंटर में पहुंच चुके हैं लैंसडाउन के. सेंट्रल एरिया तो वहां पे है. ओके तो बीच में जाके फिर दो. कैसे? अच्छा वीडियो ही बना रहे हो? सुन आ बस फिर ठीक है. टायर जितना ऊपर लेके जा इधर ऊपर लेके जा और ऊपर वाले पे. हां गुड भाई तू हाथ पकड़ ले. इसे पकड़ लो भाई. मेरा हाथ पकड़ने है. तू तो जावे नहीं. कितना क्यूट है. तू मत गिर. रुक जा छोड़ दे. वेट भी तो भारी है उसका. इधर आ जाओ. आप इधर आ. चलो इधर आ जाओ. इधर आ जाओ. सो गाइज अब हम आ चुके हैं भूला ताल पर और इससे पहले हम गए थे टिप एंड टॉप. दैट वॉज आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन एंड दिस इज आवर सेकेंड डेस्टिनेशन. एंड यहाँ पर एक ताल है, लेक है और बोटिंग हो रही है तो हम करने वाले हैं बोटिंग. एंड ठीक है, इट इज़ अ वेरी नाइस प्लेस. बहुत ही कोजी, ठंडी ठंडी सी, अच्छा मौसम है यहाँ पर अगस्त के महीने में. और बट टूरिस्ट हैं यहाँ पर. मतलब हमें लग रहा था कि ये स्पॉट थोड़ा ऐसा होगा जहाँ पर इतना ज़्यादा टूरिस्ट नहीं होंगे, बट टूरिस्ट हैं. बट ठीक है, इट इज़ नाइस. सो मैं दिखाती हूँ अभी आपको कि हम बोटिंग. और मेरे पीछे ये है भूला ताल. ये लोग एक्चुअली मैं गाना रिकॉर्ड करना चाह रही हूँ बट ये लोग मुझे परेशान करे जा रहे हैं. मुझे गाना नहीं रिकॉर्ड करने दे. शट अप नाउ. शट अप शट अप. दिल तो है दिल. दिल का इत्मीनान क्या कीजिए. आ गए किसी पे प्यार. ये लोग मुझे बिल्कुल भी गाना रिकॉर्ड करने नहीं देंगे. मैं दोबारा ट्राई करती हूँ बट दिस इज माय लास्ट ट्राई. प्लीज लेट मी बी क्वाइट. ओके 5 आवर्स लेटर. दिल तो है दिल. दिल का इत्मीनान क्या कीजिए.
वहाँ दिखाओ, लोग भी सुन रहे हैं, मैं लोगों का एंटरटेनमेंट करती हूँ हर जगह आकर के, वो नहीं दिख रहे लोग। सो गाइज, दिस इज द सेंट्रल मार्केट एरिया ऑफ लैंसडाउन, एंड यहाँ से ही होकर के सारे रास्ते जाते हैं। मतलब हम दो तीन जगह जहाँ भी गए हैं, बार बार हमने इस एरिया को क्रॉस करा है, और अब हम जा रहे हैं महाकालेश्वर टेम्पल। सो दिस इज द थर्ड प्लेस वी आर विजिटिंग, विच इज महाकालेश्वर टेम्पल। गाइज, मैं बहुत ही खूबसूरत से वाटरफॉल के पास में हूँ, और ओह माय गॉड, इतना चिल्ड पानी है। सो मंदिर हमने देख लिया है, मंदिर में दर्शन कर लिए हैं, और अब हम जा रहे हैं मंदिर से पैदल पैदल बहुत दूर, आई थिंक पता नहीं 2 या 3 किलोमीटर है, भीम पकौड़ा। तो रास्ते में वाटरफॉल आया और हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर बैठ जाएँ थोड़ी देर और सुकून के दो पल जी लें यहाँ पर, क्योंकि कल पता नहीं हो या ना। भीम पकौड़ा, और ये बोला जाता है कि ये दो पत्थर हैं, और जो ऊपर वाला पत्थर है ये सिर्फ एक उंगली से हिलता है, और अगर पूरा हाथ लगा लो तो नहीं हिलता। तो योगेश प्लीज करके दिखाइए। देखो ये हिल रहा है, हिल रहा है, हिलता हुआ तो वो दिख ही नहीं रहा। ये नहीं दिख रहा भाई। सो मुझे लगता है ये जो ये लोग बता रहे हैं मुझे कि ऐसे एक उंगली लगाने से ये पत्थर हिलता है और हाथ पूरा लगाने से नहीं हिलता, आई थिंक ये बिल्कुल ही गलत स्टोरी है। एंड हम इतनी दूर 3 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं पहाड़ों में। सो गाइज, दिस वॉज आवर फोर्थ एंड आई थिंक लास्ट लोकेशन, क्योंकि ऑलरेडी 6:30 बज चुके हैं, और अभी हमें यहाँ से नीचे भी जाना है गाड़ी के पास, और गाड़ी हमारी खड़ी है 3 किलोमीटर दूर, और हमें 3 किलोमीटर दूर चल के जाना पड़ेगा, वो भी माउंटेन्स में, वेरी डिफिकल्ट। सो मिलते हैं पहाड़ों से नीचे उतर। मैं आ चुकी हूँ वापस घर, एंड दिस वॉज अ वन डे ट्रिप टू लैंसडाउन। एक दिन में आप लैंसडाउन में क्या क्या कर सकते हैं। सो गाइज, दिस वॉज द वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज लाइक द वीडियो, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ आई मिस समथिंग, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। ओके, बाय।